क्या आप जानते हैं दोस्तों, जापान में एक प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है पेड़ों से लकड़ी निकालने के लिए, जिसमें पेड़ों को काटकर मारा नहीं जाता। इस तकनीक का नाम है दाई सूगी। देखकर ऐसा लगता है कि एक बड़े पेड़ के ऊपर कई सारे और पेड़ उग रहे हैं, छोटे छोटे। एक्चुअली में ये एक ही पेड़ है, बस काटने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग है। पहले इन सेडा ट्रीज को प्लांट किया जाता है, जब ये उग जाते हैं एक लेवल तक, उसके बाद जो इनसे शूट्स निकल रही हैं उन्हें इस तरीके से काटा जाता है टाइम टू टाइम, सिर्फ बीच से एक लंबी टहनी निकलती रहे। करीब 20 साल तक ऐसा किया जाता है और 20 सालों के बाद ये पेड़ कुछ ऐसा दिखता है। अब जब लकड़ी की जरूरत हो तो सिर्फ टॉप पार्ट जो स्ट्रेट है उसे काट लिया जाता है, नीचे का पेड़ जिंदा रहता है, कई सौ हजारों साल तक जी सकता है और ओवरऑल बहुत सारी लकड़ी इस पेड़ से बार बार मिलती रह सकती है। इस टेक्निक को 14-15 सेंचुरी के अराउंड इन्वेंट किया गया था। उस जमाने में बहुत से लोगों को लकड़ी से अपने घर बनाने थे लेकिन लकड़ी की कमी थी और इसीलिए इस टेक्निक को इन्वेंट किया गया। डिसएडवांटेज बस यहाँ पर यह है कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए मेंटेनेंस बहुत करनी पड़ती है। हर साल दो साल बाद पेड़ों की टहनियां इस तरीके से काटनी पड़ती है कि ऊपर वाले पेड़ स्ट्रेट ग्रो करते रहे।